नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज के रिपोर्ट की शुरुआत बारिश को सांत्वना देने के साथ, जिसे माल्या नदी का पुल टूटने के बाद बलि का बकरा बनाया गया है। मौसम के सिर पर नुकसान का ठिकरा फोड़कर जिस तरीके से घुसपैठों की चोरी छिपाई गई है, डर है कि कहीं चोर चोर करने वाले पर्यावरण प्रेमी कान के भैरों पर धावा न बोल दें। फिर एक संभावना ये भी है कि डकैतों के किलों में कूच करने की जरूरत कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि छोटी मछलियों पर हाथ डालना यानी बड़े हुजूर का गिरेबान पकड़ना, साथ ही उनकी जेब भी। अब आप पूछेंगे कि पुल का पॉकेट से कैसा रिश्ता, पुल ही तो टूटा है, बाल की खाल निकालनी जरूरी है? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, 13 साल का बेचारा पुल धूल को प्यारा कैसे हो गया ये पूरा कोटद्वार जानता है। मुद्दे पर गोते लगाने की जरूरत ही नहीं है, विधायक को भी नहीं है, उन्हें भी स्थिति मालूम थी, तभी उन्हें माल्या नदी का पुल टूटने के बाद ये करने की गरज लगी। हेलो, इज दैट मिस्टर सिन्हा? मैं कोटद्वार विधायक बोल रही हूँ, ऋतु खंडूरी भूषण। हेलो, नमस्कार। आपने सुनी लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है, इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में, कौन सी चीज अब माणक में बैठेगी, अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in a, the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka, and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates. Nothing has been done. गले को कष्ट देती अधिकारियों पर दहाड़ने वाली उत्तराखंड की ये शेरनी कोटद्वार से विधायक होने के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। इन्हें प्रदेश की पहली महिला स्पीकर के रूप में भी आप जानते हैं। नाम है ऋतु खंडूरी। इनका औहदा सीएम के बाद राज्य में सबसे बड़ा है। न्यूज चैनलों में ये खबर बड़ी आकर्षण का केंद्र रही कि ऋतु खंडूरी पहले ही माल्या नदी पर बने पुल की होने वाली दुर्दशा की भविष्यवाणी कर चुकी थी। इसके संकेत स्वरूप उन्होंने अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे, कहा कि जाग जाओ, लेकिन संबंधित लोग तस से मस नहीं हुए। तब पुल को ऋतु खंडूरी की चेतावनी के बाद भी अवैध खनन करने वाले माफियाओं के भेंट चढ़ने दिया, और अब बारिश को कटघरे में खड़ा कर पतली गली से फरार होने की फिराक में है। अच्छा, असली बात तो अब उठी है, अवैध खनन ये क्या चीज है और इसे कर करके भर भर के अपने घर रुपया कैसे पहुंचाया जाता है, इसके लिए जागरण.com की ये रिपोर्ट को देखते हैं। खनन यानी कि पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक या फिर बाकी के उपयोगी खनिजों को बाहर निकालने के लिए खुदाई की जाना। नदी किनारे या नदी के अंदर खनन किया जाता है बजरी, पत्थर या फिर रेत की जरूरत पूरी करने के लिए। ये सभी चीजें घर आदि के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे नहीं है कि खनन करने की इजाजत नहीं है, पर क्योंकि लालच की लोरी में इंसान का जमीर सो जाता है, इसलिए खनन की जगह अवैध खनन का खेल शुरू हो गया। ये भी इंसान भूल जाता है कि खनन के लिए जगह जगह खुदे गड्ढों में गिरकर न जाने अब तक कितनी जानें चली गई है। उत्तराखंड में नदियों और पहाड़ों का सीना छलनी करने वाले अवैध खनन के कारणों पर रोशनी डालते हुए जागरण.com है कि अवैध खनन के जरिए मिलने वाले खनिज का बाजार भाव सस्ता होता है, यह अवैध खनन का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा अवैध खनन में ना तो रॉयल्टी चुकानी पड़ती है और ना ही माल वाहनों को ले जाने के लिए रवाना करता है, इसलिए खनन माफिया इसे सस्ते दरों पर बेचकर अपना कारोबार चलाते हैं। उनके किए अवैध खनन के बड़े बड़े ट्रक सड़कों पर खुलेआम दौड़ते हैं और अधिकारी धूल खाते हैं। अब बड़ा सवाल है कि अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं, क्यों खनन माफियाओं के हाथ प्रकृति का शोषण होने देते हैं? इस पर अंकुश लगाने के लिए जो लोग सिस्टम की काबिलियत के कसीदे पढ़ते हैं, वो आंखों पर पट्टी क्यों बांध लेते हैं? इस पर प्रयागराज में बालू के अवैध खनन की बात करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अवैध खनन के खेल में हर माह लगभग 20 करोड़ रुपए विभिन्न विभागों में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा थाने व चौकी पुलिस तथा यातायात पुलिस के कार्यालय को जा रहा है। इसके अलावा RTO कार्यालय, तहसील प्रशासन और खनन विभाग के कार्यालय को भी अवैध बालू खनन का पैसा जा रहा है। अब खनन कोई सा भी हो, अंदाजा लगाना आसान है कि यहाँ तो पैसा बनेगा तो सब में बटेगा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। माल्या नदी का पुल भी शायद इसी थ्योरी के भेंट चढ़ा है। जरा news18.com की इस खबर पर गौर कीजिए। कोटद्वार के ही एक अन्य पुल को लेकर इसमें साफ साफ लिखा गया है कि नदियों को चैनलाइज करने की आड़ में नदियों में दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। बल्कि एक समाचार पत्र ने तो सीधा मालन का जिक्र करते हुए वन विभाग की उदासीनता पर सवाल खड़े करते हुए 2022 में ये बात साफ साफ लिखी थी कि मालन और सुकरो नदी में वन क्षेत्र के अंतर्गत रिवर चैनलाइजेशन के नाम पर खनन किया गया। वन महकमे के अधिकारी वन भूमि पर धड़ल्ले से चल रहे खनन को देखकर भी अनजान बने रहे।
इतना ही नहीं, लंबे समय से स्थानीय लोग भी अवैध खनन को लेकर शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करते रहे, पर लगता है कि चुनावी फंडर्स पर लगाम लगाने का दुस्साहस कोई कर नहीं पाया। जनता की बात अनसुनी कर दी। एक विधायक जो कि प्रदेश के स्पीकर भी है, उनके पत्रों को रद्दी जितना भाव भी नहीं दिया, खबरों की सुध नहीं ली, इस सच को दरकिनार कर दिया कि नदी की रेत असल में उसके प्रवाह को नियंत्रित करती है, वो नहीं होगी तो बारिश में उसके उफान को रोकना असंभव होगा। उसके ऊपर बने पुल जिनके पिलर अवैध खनन से पहले ही कमजोर पड़ गए हैं, वो वेग सह नहीं पाएंगे। आखिर ये सोचा क्यों नहीं गया, ये सोचने जैसा विषय है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने 2017 में इसी मुद्दे पर लिखते हुए लोगों के मतों को हाईलाइट किया था। लिखा था कि नदियों के किनारे अवैध खनन का खतरा चुनावी एजेंडा में नहीं होता, क्योंकि खनन माफिया एक प्रमुख चुनावी फंडर है। स्थानीय लोगों का हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया था कि लोग ये दावा करते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी दलों में इसकी हिस्सेदारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों की जिंदगियों से ज्यादा जरूरी ये फंड है? नदियों की उम्र छीन लेना, उनका जल प्रवाह बिगाड़ देना, उनके खनिज समाप्त कर देना कितना सही है? इन्हीं सवालों के साथ आज विदा लेते हैं। जुड़िए मेरे साक्षी मुंबई के साथ एक नए मुद्दे की चर्चा पर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइट।